hello good morning students today i am going to explain you the next question from the model 4 exercise 13.2 how to construct a rhombus with the two diagonals so see the question construct a rhombus abcd where ac is 6 centimeter bd is 7 centimeter so that means two diagonals are given if we draw a rough sketch of abcd rhombus

नाउ यहां पे अब हम रॉम्बर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि डायग्नल ऑफ रॉम्बर्स बाइसेक्ट ईच अदर डायग्नल ऑफ रॉम्बस बाईसेक्ट ईच अदर एट नाइंटी डिग्री राइट तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए सी का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे हाफ से ज्यादा कंपस ओपन करके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे ए पर और सी पॉइंट पर रखकर हमने ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ किया राइट right? तो हमने ये हमने ड्रॉ कर लिया इससे क्या होगा हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा ए सी लाइन सेगमेंट का ये हमारे पास मिड पॉइंट सपोज आया एम अब सेकेंड डायगनल की लेंथ हमें गिवन है सेवन सेंटीमीटर तो सेवन का हाफ कितना हो गया थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो हमने क्या करना है एम पॉइंट पे सेंटर लेके फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो सेकेंड डायगनल का हाफ ले लिया रेडियस तो ये आ गया थ्री पॉइंट फाइव तो एम पॉइंट को सेंटर लेके ये जो हमने परपेंडिकुलर बाई सेक्टर किया था उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड ठीक है जितना सेकेंड डायगनल दिया उसका हाफ लेकर अपवर्ड और डाउनवर्ड उसको कट कर दिया एंड वी फाइंड अ पॉइंट बी एंड डी तो जो टोटल लेंथ बी डी होगी वो सेवन सेंटीमीटर होगी ठीक है तो ये हमारे पास इस तरह से रोमबस बन जाएगी ए को बी के साथ बी को सी के साथ ए को डी के साथ डी को सी के साथ ज्वाइन कर देंगे एंड वी फाइंड अ uh rhombus a b c d with two diagonals a c is a six centimeter and b d is a seven centimeter so i hope this question is clear to you with this thank you